अस्सलामु अलैकुम गाइस, आई होप यू हैव एन अमेजिंग डे। वेलकम बैक टू द माय चैनल। जोक रिजर्व फॉरेस्ट पे हम लोग जब जा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट वीक में कोई प्रोग्राम बन रहा है, तो उसी की जो सी वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है। जस्ट अभी जो सा है वो 12:30 हुए हैं, 1 बजे जो सा है वो मैंने यहाँ से लीव करना है और 1:15 बजे जो सा है वो रस्ते से बॉयज़ को पिकअप करते हुए हमने अपने मीटअप पॉइंट पर जाना है। ये चीज़ें इस टाइम अभी मेरे पास मोबाइल होल्डर है, इधर से ये पैड वगैरह हैं, ये टूल किट, GoPro और DSLR की बैटरीज वगैरह और एसेसरीज जो सी है, बोटल ग्लव्स, हेलमेट एंड बैग। अभी नीचे जाता हूँ, जाके वहाँ पे एडजस्ट करता हूँ बाइक पे, तो फिर इंशाल्लाह तरह फिर निकलते हैं 1 बजे के करीब। बाकी फिर जो सी होगी वो बात रास्ते में होगी। तो आई थिंक हम 1 या 2 डेस्टिनेशन को कवर अप करें आज, जितना टाइम मिलेगा उसके मुताबिक जो सा हम लोगों ने उसको कवर अप करना है। अगर टाइम मिला तो 2 की बजाय 3 भी हो सकती है, अगर ना मिला तो हमने सिर्फ 1 ही डेस्टिनेशन को कवर अप करके वापस आ जाना है। इतना मैं आपको बता दूँ कि टोटल जो हमारा डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर जो सा है वन वे है। फिर मिलते हैं ऑन द रोड। सो गाइस, जस्ट रीच दाता साहब और बॉयज इधर ही कहीं ना कहीं होंगे। कितने बजे पहुंच गया हूँ? 1:22, 8 मिनट पहले पहुंच ही गया हूँ। 1:30 बजे का टाइम है था लीव करने का। हम लोग निकल चुके हैं, लाहौर से बाहर आ गए इस टाइम और तकरीबन मरीतके के पास पहुंच चुके हैं। और मौसम जो सा है वो लग रहा है कि अगर वहाँ पे पहुँचते मे भी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए। राइट साइड पे अभी भी बादल हैं। मैंने वेदर फोरकास्ट देखा था तो उसमें जो सा रात को 11 बजे के बाद की बारिश बताई गई है। आई होप कि हमारा जो ये सफ़र है ये इसी तरह ही गुजर जाए और अच्छा गुजर जाए, बारिश ना हो। हमारे साथ जो टोटल 5 राइडर हैं वो बॉयज़ के पास GR है और मेरे पास CB1 YBR G है और बिनाली। अभी कहीं रुकना है साइड पे और पेट्रोल जो सा है वो डलवाना है 2 बाइक्स ने, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। अभी 2 बज चुके हुए हैं। आई होप कि 2.5 घंटे के अंदर जो सा है ना वो हम लोग वहाँ पर रीच कर जाएँ अपनी डेस्टिनेशन पे। लीड पे इस टाइम जो सा है वो शरोज़ है और टेल पे मैं हूँ। और मेरा और अहमद भाई का ये हुआ है कि सम टाइम मैं आगे चला जाऊँगा और अहमद भाई जो से वो पीछे टेल पे आ जाएंगे। ग्रुप राइड का मकसद यही होता है कि मिल के चलना। अगर किसी को कोई एक को प्रॉब्लम है वहाँ पे रुको, वहाँ पे उसको जो प्रॉब्लम है उसकी वो सॉल्व करो, फिर उसके बाद चलो। ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए कि जी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ और तुम जो सा वो पीछे रहो। वो फिर कहते हैं कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और एक दफ़ा ही सिर्फ काम होता है, इसके अलावा फिर वो दोबारा वो राइड नहीं कर सकता ग्रुप के साथ। लास्ट वीक में भी जो सा है वो वेदर बड़ा अच्छा था, मज़ा आया था राइड करने का। और इस वीकेंड पे भी काफ़ी जो सा है वो मौसम अच्छा है, बारिश हुई है सुबह टाइम पर, सियालकोट में भी बारिश हुई है 11 बजे तक, तो मज़ा आ रहा है राइड करने का। लास्ट टाइम भी यही था कि इन्जॉय किया था, अभी भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह इन्जॉय करेंगे और खैर आफिया से जो सा वो हमारा ये ट्रिप मुकम्मल होगा। टोटल जो स्पीड हमने रखी है वो 80 मैक्स रखी है, अगर कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग 90 स्पीड भी कर पाएंगे किसी को ओवरकट करना हुआ तो, वरना 80 स्पीड जो सी है वही इनफ है। आगे जो सा है जब हमने आई डोंट नो कि गुजरांवाला के अंदर से जाते हैं या जो सा शॉर्टकट है रास्ता वहाँ से जाते हैं, हम लोग जो सा है वो जा रहे हैं इस टाइम सियालकोट। सियालकोट से नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी होगी हेड मराला, तो चलते हैं फिर हेड मराला, वहाँ पे जाके फिर बातें करते हैं। रास्ते में भी बातें होंगी, वहाँ पे भी जाके बात होगी, आपको भी वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पे, सियालकोट पहले काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ लेकिन हेड जोन सा है वो बाकी देखे हैं, हेड रसूल भी देखा है जोन सा है, और हेड बल्लो की भी जोन सा है वो मैंने मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ का पानी है गंदा वो सारा वहाँ पे जमा हो जाता है, तो पेट्रोल का बहुत बड़ा मसला हुआ हुआ है कि पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है कहीं पे, कोई देता ही नहीं है। वही बात तो ये कि नहीं है पेट्रोल, तो अब पीछे दूसरे पंप पे जा रहे हैं हम लोग। पाकिस्तान एक ऐसा वाहद मुल्क है कि जहाँ पे चीज़ सस्ती होने के बावजूद नहीं मिलती, और अगर मिलती है तो वो डबल रेट पे मिलती है। अभी हाई ऑक्टेन 155 का जो सा है वो पर लीटर रेट मिला है। गवर्नमेंट को चाहिए कुछ ना कुछ एक्शन ले इस चीज़ के ऊपर। अभी तो डिफ़िकल्टीज काफ़ी, हम लोग पंप पीछे छोड़ रहे हैं और लाहौर के अंदर भी जो सा था वो पंप बंद किए हुए उन्होंने, पेट्रोल दे ही नहीं रहे, तो फिर ऐसा क्या फ़ायदा फिर पेट्रोल सस्ता करने का। इससे अच्छा है
हाई रेट पे पेट्रोल दे देंगे। पता नहीं कौन सी जून सी है वो गाड़ी, स्पोर्ट्स गाड़ी आ गई है, सिर्फ जस्ट सलेंसर चेंज करवाया हुआ है। तो ऑल बाइक्स आर फुल और पेट्रोल फुल करवा लिया है, अब निकल चुके हैं। 2:30 है और हम लोग मरीज के अंदर ही हैं अभी तक। उम्मीद पूरी है कि 2-2.5 घंटे के अंदर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जौन सा है वो हेड मराला पहुँच जाएंगे। और बारिश का मौसम हो रहा है, राइट साइड पे जौन सा है वो काफ़ी ज़्यादा बादल बने हुए हैं, लेफ़्ट साइड पे भी हैं लेकिन कम है। लेकिन आगे मैंने अभी वेदर फोरकास्ट भी दोबारा चेक की है तो आगे जौन सी है वो बारिश नहीं है, आई होप। लेकिन कुदरत का कोई पता नहीं है कि किसी भी वक्त मौसम चेंज हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा। हम प्रिपेयर हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी बनती है तो अपने आप को पैक करके फिर हम लोग अपने सफ़र को जारी रख सकेंगे। बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है और उम्मीद तो पूरी है कि इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। हमारा जो प्रोग्राम है वो गुजरांवाला से अंदर एंटर हो के फिर पसरू रोड वाली साइड से जाना है हम लोगों ने। अभी एक और रोड निकलता है जो कि आगे टूल प्लाजा आएगा, उससे राइट साइड पे टर्न लेंगे तो वो एक शॉर्टकट है सियालकोट जाने का। वहाँ पे जब मैं पहुँचूँगा फिर आप लोगों को वो भी रास्ता दिखाऊँगा, अगर वो आप लोगों ने लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। और जहाँ से हम लोग जा रहे हैं जो मेन जीटी रोड है, 3 साल पहले वो मैंने रोड किया था, काफ़ी ख़राब था। अब का मालूम नहीं है कि वो रोड ठीक हो चुका है या नहीं हुआ, कभी भी कच्चा है। कुछ पैचेज उसके सही हैं, कुछ पैचेज जो उनसे उसके वो ख़राब हैं। लेकिन वहाँ का ये बेनिफिट है कि सीनरी बड़ी अच्छी है, लेफ़्ट पे राइट पे गाँव आते हैं और मज़ा भी आता है। रास्ते में जो किनाल निकलती है सियालकोट वाली वो भी रास्ते में आती है, तो वहाँ पे बंदा स्टे कर सकता है। लेकिन अंदर वाली साइड से भी एक जगह है जो जहाँ पे राइट साइड पे एक बहुत अच्छी स्कीम बनी हुई है और उसकी उन्होंने डेकोरेशन ऐसी की हुई है कि जाते हुए जो सा ना वो दिल को बहा जाती है कि यार क्या इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ है, नहर के ऊपर ही है। गाइस अभी जो सा वो मैं आगे निकला आया हूँ, ये जो गुजरांवाला का जो सा टूल प्लाजा है इससे इस तरफ राइट साइड से एक जो रोड है, यहाँ से यू टर्न लेके तो फिर उस साइड को जाना पड़ता है जो कि शॉर्टकट रास्ता है इसका सियालकोट को जाने का। लेकिन अभी हम लोग जो सा वो गुजरांवाला के अंदर से जाएंगे और यहीं से ये जो राइट रोड अभी टर्न होगा हम लोग इधर को चले जाएंगे। कंगी वाला रोड है ये वाला, ये इशारा आएगा उसका और फिर हम लोग राइट टर्न होंगे और पसरू रोड पे। यहाँ से तकरीबन 68 किलोमीटर होगा सियालकोट है। ये थोड़ा सा पैच सिर्फ ख़राब है, बाकी आगे जो सा वो पैच अच्छा बना हुआ है। नीचे से जो सी है वो रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है। मैं आपको बता रहा था कि राइट साइड पे बड़ी अच्छी एक स्कीम बनी हुई है, अभी तो दरख्त है उस साइड पे जो सा है वो बहुत अच्छा व्यू है इसका, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये ट्रीज़ लगा दी। लेकिन पहले ज़रा छोटे थे तो बड़ा अच्छा व्यू आता था, ये आगे से शायद नज़र आए। और देखिएगा बहुत ही मज़े की, इस तरह की जो सी मैंने स्कीम फैसलाबाद में भी देखी है, बिल्कुल इसी तरह सेम टू सेम बनी हुई है। जब वापसी आऊँगा तब मैं भी थोड़ा सा अच्छा इसका व्यू मिल जाए। ये जो रोड है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है तकरीबन 4-5 साल ही हुए हैं इसको कंस्ट्रक्ट हुए हुए, पहले बहुत ही बुरा रोड था, इसलिए फिर जो पीछे जो शॉर्टकट है वो वाला यूज़ किया जाता था। राउंड अबाउट उससे हम लोगों ने राइट साइड पे टर्न ले लेना है, जो कि आगाज़ यहाँ से हदूद इसकी स्टार्ट हो जाती है और डस्का रोड ये वाला जो सा ये कहलाता है, डस्का रोड हम लोग अब इस टाइम आ गए हैं। तकरीबन यहाँ से जो डस्का होगा 20-22 किलोमीटर। काफ़ी बारिश हुई है, पानी ठीक ठाक खड़ा हुआ हुआ है, बस चलती रही गाड़ी। अगर पाँव नीचे लगाना पड़ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी है, सारे शूज़ जो से हैं वो गीले हो जाएंगे। टूल टैक्स, काफ़ी देर बाद आया यार, पहले नहीं आया था। चलें बाइक वालों को तो विदाउट एनी टूल टैक्स की इजाज़त होती है, हमें किस चीज़ की टेंशन है। सियालकोट लोरो थोड़ा जहा सफर है अजे तो 80। हाँ पीछे नहीं अगे वेख रहे हैं। सियालकोट 39 किलोमीटर, मैक्सिमम 45 मिनट इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे हम लोग सियालकोट। सियालकोट से आगे जो सा है हेड मराला 20-21 किलोमीटर तकरीबन आगे है। तो गाइस वी रीच्ड एट डस्का और टाइम कितना है, 3:36 में हम लोग डस्का पहुंच चुके हैं। सियालकोट एयरपोर्ट 28 किलोमीटर है यहाँ से। राइट साइड से अभी आ रही है ये मोटरवे बनी है और ये यहाँ से वह अमेजिंग यार,
बहुत ही इन्होंने शॉर्टकट रास्ता निकाल दिया मोटरवे का लाहौर से, यहाँ पे आके ये एग्जिट हो रही है। और यहाँ से तकरीबन जो सफ़र है सियालकोट का मोटरवे से 14 किलोमीटर है। यहाँ पर रुके हैं थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। क्या नहीं, सो गाइस जस्ट स्टॉप 10 मिनट का जो सा हमारा स्टे और ये पीछे चेक कर रहे हैं, जरा है व्यू चेक कर रहे हैं। चेक दिस आउट व्यू, अमेजिंग। बीआरबी की तरह है लेकिन उससे बड़ी कनाल है। नहर का पानी ठंडा ठंडा है, इसी से हाथ मुंह धोया जाएगा और फिर उसके बाद आगे निकल जाता है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ एज यू नो, जो कि हेडमराला है। यहाँ से तकरीबन 42 किलोमीटर अभी रिमेनिंग है।